मेहता का उल्टा चश्मा। इतनी मुश्किल से पिज्जा पार्टी करने का प्लान बनाया था क्लब हाउस में, ना ही बीडन कला स्पेस कंट्रोल वालों को बुलाते और ना ही हमारी पिज्जा पार्टी कैंसिल होती। बे, कोई और जगह ढूंढते ना जहाँ पे हम लोग पिज्जा पार्टी कर सकते हैं। अच्छा मेहता अंकल। हाँ बेटा। आपका फुल टाइम वर्क चालू हो गया? हाँ हो गया। अच्छा तो मतलब आप शाम को ही आओगे? बेटा जब फुल टाइम ऑफिस चालू होगा तो शाम को ही आऊंगा ना बेटा। पिज्जा पार्टी करने की जगह मिल गई है। कब कैसे? मेहता अंकल के घर। क्या बात है टप्पू, फैंटास्टिक यार। एक मिनट, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या तू कुछ भी बोल रहा है? हाँ हाँ टप्पू सुन, ठीक कह रही है। ऐसा मेहता सबको बिना बताए उसके घर पे जाना ठीक नहीं है। अरे हाँ टप्पू अभी बहुत हो गया, हम ये पार्टी कैंसिल करते हैं। क्या कैंसिल करते हैं? कैंसिल शब्द का इस्तेमाल मत कर। टप्पू का आइडिया माना गलत है लेकिन हमारा इरादा तो गलत नहीं है ना। हमें क्या करना है? हमें बस मेहता अंकल के घर जाना है, पिज्जा खाना है और वापस आ जाना है। हम गलत क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी तो गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं मुझे प्लान ठीक नहीं लग रहा है। इतने सारे मेहता साहब के घर में घुसेंगे तो कोई देखेगा नहीं। अरे अब्दुल भाई दोपहर को बालकनी में कोई नहीं होता है और आज से सब्जी वाले का भी है ना बंद हो गया है तो मुझे नहीं लगता हम पे किसी की नजर पड़ेगी। तुम मिशन पिज्जा का एग्जैक्ट प्लानिंग बता दो। हाँ ओके, तो मिशन पिज्जा का प्लान ये है कि पहले हम अब्दुल भाई की दुकान का एड्रेस देके पिज्जा ऑर्डर करेंगे। हाँ फिर क्या? डोंट वरी अब्दुल भाई और फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे ताकि हमारे घर वालों को हम पे शक ना हो कि हम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे। फिर मेरे घर पे जो मेहता अंकल के घर की एक्स्ट्रा चाबी है वो मैं अब्दुल भाई को दे दूंगा। फिर अब्दुल भाई आप पिज्जा बॉय से पिज्जा लेकर चुपके से मेहता अंकल के घर पे पिज्जा रख देना। और हाँ जाते वक्त जो चाबी है ना वो बाहर की चेयर है ना उसके कुशन के नीचे रख देना। ठीक है फैंटास्टिक। फिर अब्दुल भाई आप हमें फोन करना और हम एक एक करके मौका देखकर मेहता अंकल के घर जाएंगे। और हाँ ध्यान रखना कि चाबी से दरवाजा खोलने के बाद चाबी हमें कुशन के नीचे रखनी है ताकि किसी को अंदर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी लास्ट आएगा वो चाबी अंदर लेके आएगा और ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मेहता अंकल के घर में पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। जीनियस, ये सिर्फ टप्पू पुलाव कर सकता है। थैंक यू। ओए लेकिन टप्पू, हम घर से बिना खाए बाहर निकलेंगे तो हम अपनी अपनी मम्मी को क्या जवाब देंगे? हम बोलना टप्पू, इसका क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तुम सब अपनी मम्मी को ये कह देना कि टप्पू से ना मिलके कॉलेज का एक प्रोजेक्ट बना रही है तो तुम सब मेरे घर पे आ रहे हो और दादाजी हम सबके लिए खाना बना रहे तो घर पे खाना ना बनाए। और तू क्या कहेगा? मैं कह दूंगा कि मैं गोले के घर पे हूं तो वहीं खाना खा लूंगा। तो ऐसे तुम सब मेरे घर का कहकर निकलना और मैं गोले के घर का कहकर निकलूंगा। डन डन डन। वाह वाह टप्पू स्मार्ट है, स्मार्ट। और हाँ पिंकू तू कहीं घर मत जाना, तू गोगे के घर जाना। क्या ना कि अगर तू घर पे गया और वापस आने में देर हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं घर पे फोन करके बोल दूंगा। वाह 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 टप्पू माइंड ब्लोइंग यार टप्पू, क्या फालतू का प्लान है। टप्पू हम में से किसी के भी मम्मी ने अगर दादाजी को फोन कर लिया और हम पकड़े गए तो हम क्या जवाब देंगे? तो तुम सब कह देना कि दादाजी दोपहर को सो जाते तो उन्हें फोन करके डिस्टर्ब ना करे, जो भी काम हो सीधा तुम्हें फोन करे। ओया ये प्लान एकदम सही है। यस हाँ ऐसा सही प्लान जिसमें फंसने के पूरे चांसेस है। फुल ऑन गड़बड़ कर रहे हैं हम, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे सोनू पिज्जा खाने की तो बात है, इसमें इतना क्या सोचना है? हाँ सोनू जस्ट चिल। क्या चिल गोगी, मेहता अंकल के घर अगर पार्टी कर रहे हैं तो उन्हें बताना तो चाहिए। अच्छा एक मिनट, इफ इन केस अगर मेहता अंकल ने ना बोल दिया तो? सोनू यार प्लीज प्लीज यार मेरी माँ मान जा, प्लीज यार प्लीज, मुझे पिज्जा खाना इसलिए बोल रहा हूँ यार, बोलो ना तुम लोग। ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन अब क्या हुआ? जैसा कि मैंने पहले कहा मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है सुनो तू मत खाना लेकिन हमें तो खाने दे प्लीज। हाँ हाँ तो ऑर्डर करो तुम लोग। कर, 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 कर। गोली बता कौन सा पिज्जा खाएगा?
ट्रिपल चीज, चीज बर्स्ट, फार्म हाउस पिज्जा, 8 to 2. ओके ओके. पिंकू तू? मेरा तो मशरूम पिज्जा. तू? स्पाइसी पनीर पिज्जा. वाह. ओके. अब्दुल भाई आप? नो पिज्जा. नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए. आई एम विथ यू ऑलवेज. जाओ. ओके ओके. सुनो सर, सुनो, ज्यादा भाव मत खा, पिज्जा खा. बता कौन सा पिज्जा खाना है? मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी. लेकिन जब पिज्जा आएगा और जब हम खाएंगे और तुझे भी पिज्जा खाने का मन हुआ तो? नहीं होगा मेरा मन. अरे जाने देना टप्पू, तू एक एक्स्ट्रा पिज्जा मंगवा के रख. और सोनू का मन हुआ तो वो खाएगी, अगर नहीं हुआ तब मैं हूं ना. ठीक है ठीक है. हेलो, गेट सेट गो पिज्जा. हाँ, मुझे ऑर्डर प्लेस करना था. गाइस, मैंने सबके लिए मीडियम साइज पिज्जा ऑर्डर कर दिया. ऑर्डर हो गया. आहिस्ता आहिस्ता. और हाँ अब्दुल भाई, जब आप पिज्जा लेकर आओ ना सोसाइटी में, तो जरा ध्यान रखना कि आपको कोई देख ना ले. आप ना छुपके से मेहता अंकल के घर पे पिज्जा रख देना. हाँ हाँ, मेहता साहब के घर पे पिज्जा पहुंच जाएगा, लेकिन पहले उनके घर की चाबी तो दो. हाँ हाँ, मैं अभी आपको चाबी ला कर देता हूँ. और अब्दुल भाई, जैसे पिज्जा मेहता अंकल के घर पहुंच जाए फोन करके बता देना. हाँ हाँ, बिल्कुल बता दूंगा, डोंट वरी. ओके. अरे अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको पिज्जा के पैसे देना ही भूल गया. अरे नहीं नहीं नहीं, पैसे है मेरे पास, मैं दे दूंगा. नहीं नहीं अब्दुल भाई, आज नहीं, ये पार्टी शर्त की पार्टी है, तो इसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे. आपको पार्टी देनी है, आप नेक्स्ट टाइम दे देना. हाँ हाँ, शर्त की पार्टी है ना, तो मैं पैसे ले लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से पार्टी. अरे टप्पू. जी जी दादाजी. अरे बेटा, सुबह से कहाँ था तू? वो दादाजी, टप्पू सेना को ना कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला है, तो हम सब मिलकर उसी का डिस्कशन कर रहे थे. अच्छा, वैसे क्या ढूंढ रहा है तू? वो मेरे स्टडी टेबल में कॉलेज के कुछ बुक्स है ना, तो मुझे वो बुक्स चाहिए थी, लेकिन स्टडी टेबल के ड्रॉअर की चाबी नहीं मिल रही, तो बस वही ढूंढ रहा था. ओह, अच्छा एक काम कर, जेठिया को फोन करके पूछ ले, शायद उसने गलती से कहीं रख दी होगी. हाँ हाँ, पापा को फोन करके पूछ लेता हूँ. पापा को कैसे पूछूं कि मेहता अंकल के घर की चाबी कहाँ है? कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा. सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी, मेरी हथेली में बहुत खुजली हो रही है. वो कहते हैं ना, हथेली में अगर खुजली हो तो पैसे आने वाले होते हैं, तो क्या वो सच है? हाँ. अरे वाह, मेरे पैर में भी बहुत खुजली हो रही है, मतलब डबल पैसे आएंगे? अरे नहीं भाई नहीं, पैर में खुजली होने से तो अच्छी यात्रा का योग बनना बोलते हैं. वैसे पेट पे भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 56 भोग खाने का योग बन रहा है? ऐसा कभी सुना तो नहीं, लेकिन हो सकता है. और सेठ जी, गर्दन, गर्दन का क्या है? वहां पे भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है. और कहाँ कहाँ हो रही है? मतलब और कहीं हो रही है क्या? हो रही है ना, पीठ पे हो रही है, कोनी पे हो रही है, सब जगह पे थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है. सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब जगह का योग मिला के मेरे नसीब में राजयोग हो? नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है फिलहाल तेरे नसीब में खाज योग है. अरे इतनी जगह खुजली हो रही है, किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखा. क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? अप्रैल फुल डब्बा गुल, अप्रैल फुल डब्बा गुल. सेठ जी, मुझे कोई खुजली बुजली नहीं हो रही है, मैं तो आपको अप्रैल फुल बना रहा था. दिसंबर के महीने में अप्रैल फुल? अप्रैल में लॉकडाउन था ना, और अगर अभी मैं आपको अप्रैल फुल नहीं बनाता तो इस साल का अप्रैल फुल वेस्ट हो जाता ना. हाँ बोल टप्पू. हेलो, कैसे हो पापा? अच्छा हूँ, बोल. अच्छा, आप अभी बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, बोल ना, क्या काम है? तो पापा, एक्चुअली ना आज मैं अपने स्टडी टेबल की सफाई करने की सोच रहा था. हाँ, तो मुझे स्टडी टेबल के ड्रॉअर की चाबी नहीं मिल रही है. अच्छा,
तो आपको पता है चाबी कहाँ हो सकती है? तेरे स्टडी टेबल की चाबी का मुझे कैसे पता होगा बेटा? हाँ नहीं, मुझे लगा कि शायद आपने कहीं देखी हो इसलिए पूछ लिया। नहीं भाई नहीं, मुझे तो पता भी नहीं हो कैसे दिखती है। अच्छा चलो क्या। अरे पापा पापा पापा। हाँ बोल। आप सब चाबियां कहाँ रखते हैं? कौन सी चाबियां? मतलब वो जनरल चाबियां, घर की बाकी सब चाबियां कहाँ रखते हैं? अरे क्या पूछ रहा है बेटा, वो सब चाबियां तो हम दरवाजे के बाजू में वो की होल्डर है उधर ही रखते हैं ना। पापा मैंने वहाँ भी देखा, लेकिन मेरे स्टडी टेबल की ड्रॉअर की चाबी वहाँ नहीं है। अरे तेरे स्टडी टेबल की चाबी तेरे कमरे में ही होगी, जरा ध्यान से देख मिल जाएगी। हाँ पापा मैंने अपने कमरे में कोना कोना छान मारा, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिल रही। वैसे पापा आप वो बाकी सब चाबियां कहाँ रखते हैं? कौन सी बाकी सब चाबियां? वही जो हमारे पड़ोसियों ने अपने अपने घर की एक्स्ट्रा चाबियां इमरजेंसी के लिए देके रखी है ना, वो तो आप अलग ही रखते होंगे ना, क्योंकि वो तो रोज इस्तेमाल नहीं होती। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं अलग ही रखता हूँ। हाँ तो वो सब चाबियां कहाँ रखी आपने? अरे उसमें तेरा स्टडी टेबल की चाबी थोड़ी हो सकती है बेटा। हाँ वो तो नहीं हो सकती, लेकिन पापा मैंने सोचा कि यू नो एक बार चेक कर लेते हैं, गलती से उसमें चली गई हो, एक बार चेक करने में क्या हर्ज है। हाँ ठीक है, तो वो बेडरूम में मेरी अलमारी है ना, उसका ड्रॉवर में। यस 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 यस, काम हो गया। यस ओके ओके, थैंक यू पापा, बाय। अरे ओ भाई, ओ ओ हाँ बोलिए ना पापा। ओ फिर अलमारी ड्रॉवर सब ठीक से बंद करना, खुला मत छोड़ देना। ऑब्वियसली पापा। हैं? हाँ हाँ मतलब जरूर जरूर, मैं ध्यान से बंद कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ हाँ चल, और कुछ? लव यू पापा। हाँ थैंक यू। यस 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 यस, चाबी मिल गई। हाँ ये रही मेहता अंकल के घर की चाबी, अब तो पिज्जा पार्टी होकर ही रहेगी। हाँ बोल टप्पू, चाबी मिल गई? यस 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 अब्दुल भाई, मेहता अंकल की घर की चाबी मेरे हाथों में। अच्छा सुनिए, अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ, आप मुझसे आकर चाबी ले लीजिए, और जैसे ही पिज्जा डिलीवर हो जाए मेहता अंकल के घर पे रख देना और हमें फोन कर देना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ चाबी लेने के लिए। ओके ये पिज्जा वाला अब तक आया क्यों नहीं? अरे पिज्जा वाला बॉक्स देके जाएगा, मेहता साहब के घर पे जाते हुए किसी ने बॉक्स देख लिया तो। हाँ ये अच्छा है, इसमें छुपा के लेके जाऊंगा। गेट सेट गो सर। हे नो नो नो, गो 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 बार। नहीं नहीं सर, गेट सेट गो पिज्जा से हो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या है ना सर, जब भी हम पिज्जा डिलीवरी करने जाते हैं ना, तो कस्टमर को ग्रीट करने के लिए गेट सेट गो कहते हैं सर, जिससे हमारे पिज्जा का प्रचार होता है सर। गुड गुड, बहुत अच्छा नाम है गेट सेट गो। सर उसके पीछे भी एक कहानी है। हैं? गेट सेट गो मतलब गेट योर पिज्जा, सेट योर सेल्फ एंड गो फॉर इट। कितने पैसे हुए? गेट सेट गो सर। हाँ हाँ गो गो गो। हाँ बोलिए अब्दुल भाई। टप्पू पिज्जा आ गया है, मैं मेहता साहब के घर पे जा रहा हूँ और आप लोगों को फोन करूंगा, तो आप लोग तैयार रहना। ओके हाँ ओके, हम लोग रेडी है। ठीक है ठीक है। हाँ जी जी, ऑर्डर रेडी है आपका, बस डिलीवरी आपको कल मिल जाएगी। अरे बाप रे, मेरे अंकल को भी अभी आना था।
क्या है ना, अब यहाँ सोसाइटी में ना पेस्ट कंट्रोल वाले आए, तो मैं आज डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, कल कर देता हूँ, है ना? ठीक है, ओके। अब्दुल कहाँ घूम रहे हो भाई? मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। अरे वो तो मुझे दिख रहा है अब्दुल, लेकिन ये इतना सारा सामान क्या है, क्या इसमें? आओ। अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम वहां क्या देख रहे हो कब से? कोई भी तो नहीं है वहां पे, क्या देख क्या रहे थे? चूहा। हाँ वो वहां से वहां भागा। चूहे तो भागेंगे ना, अभी पेस्ट कंट्रोल वाले आए ना, तो चूहे तो भागेंगे। तुम चूहों को छोड़ो, ये बोलो कि इतना सारा सामान है क्या इसमें? वो हाथी भाई का रोशन का सामान है। वाह, हाथी भाई का रोशन का, सोड़ी भाई भी नहीं डायरेक्ट रोशन। नहीं नहीं, हाथी भाई का राशन का सामान है ये। ओ तो ऐसे बोलो ना। ठीक है चलो। एक मिनट मिनट, हाथी भाई का सामान तो हमारे राशन के सामान के साथ कल आ गया था ना? हाँ आ गया था, और कल थोड़ा सामान नहीं मिला था ना, वो आज लेकर आया। तो थोड़ा ना, ये थोड़ा का है तो बहुत ज्यादा सामान है भाई। ये भीड़े अंकल कितने सवाल करते हैं। अय्यर भाई का भी सामान है। अय्यर भाई का? हाँ, सोड़ी भाई का भी सामान है, जेठा भाई का भी सामान है। कमाल है अब्दुल, अभी बोला कि हाथी भाई का थोड़ा सामान है, अभी बोल रहे अय्यर भाई का है, सोड़ी का है, जेठालाल का है, काय चाल रहे का है? भिड़े भाई, वो 15 दिन के लिए आपने सबको सोसाइटी में आने जाने के लिए मना किया है ना, तो सब घबराहट के मारे सामान स्टॉक कर रहे हैं। वही देने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे बोलो ना अब्दुल, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वो कोरोना की वजह से डर लग रहा है, अभी तक गया नहीं है ना। नहीं नहीं अब्दुल, कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना है हम सबको। मैं जा रहा हूँ क्लब हाउस, वो पेस्ट कंट्रोल वाले आए ना, जरा जाके देखता हूँ ठीक से कर रहे कि नहीं। हाँ चल। ए अब्दुल रुक एक मिनट। यस मिनट में। खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? खाने की खुशबू? हाँ तुम्हें नहीं आ रही? हाँ हाँ, सोड़ी भाई के घर से आ रही है, लगता है रोशन भाभी ने आज अच्छा खाना बनाया। क्या बोल रहे हो अब्दुल, रोशन भाभी हमेशा अच्छा खाना बनाती है। अच्छा? नहीं नहीं, ये घर के खाने की खुशबू नहीं है अब्दुल, ये कुछ अलग खुशबू है। वो क्या बोलते हैं वो चीज, क्या है वो? पिज्जा। सामान है उसमें हाड़ू। खुशबू तो तुम्हारे बैग में से आ रही है। अरे नहीं 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 भिड़े भाई, बैग से नहीं आ रही है। अरे कहीं हम पकड़े ना जाए। अरे भाई वो पिज्जा की खुशबू कैसे आएगी, मैं तो सब चीजें लेके जा रहा हूँ। चीजें नहीं, चीज जो पिज्जा के ऊपर डालते हैं ना, सेम वैसी खुशबू आ रही है, और तुम्हारे बैग से ही आ रही है भाई। हाँ चीज की खुशबू तो आएगी ना। चीज की खुशबू क्यों आएगी अब, तुम तो राशन का सामान लेके जा रहे हो ना। भिड़े भाई बैग में बहुत सामान है, ब्रेड है, टूथपेस्ट है, और चीज भी है। हाथी भाई ने चीज भी मंगाया है ना, इसलिए आपको खुशबू आ रही होगी। लेकिन चीज का पैकेट तो बंद होता है, तो ऐसा तो नहीं कि वो फट गया और खुशबू आ रही हो? नहीं नहीं भिड़े भाई, फटेगा कैसे, मैंने सारा सामान अच्छे से चेक करके रखा है। इसने भले ही चेक करके रखा होगा, लेकिन बाद में दूसरा सामान रखते वक्त उसकी वजह से फट गया हो तो? नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, चेक करो एक बार, लापरवाही मत बरतो, बिल्कुल चेक करो। अब तो पक्का पकड़े जाएंगे। अरे अगर पकड़े गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों इसे कहते हैं एक साथ मिल जाए कुआं और खाई, क्योंकि सामने खड़े हैं भिड़े भाई और अब्दुल की जान सांसत में आई, क्योंकि चारों ओर है पिज्जा की खुशबू छाई। एक बड़ा मशहूर शेर है, आपने सुना होगा, जरा उस पर तुकबंदी सुन लीजिए, कि हमें भिड़े भाई ने पकड़ा
गैरों में कहां दम था। हम वहां आके पकड़े गए जहां खतरा सबसे कम था। अब क्या होगा अगर भिड़े ने ये पिज्जा लिया? पकड़ तो निकल जाएगी टपू सेना की अकड़। भिड़े कर देगा अब्दुल की खाट खड़ी, क्योंकि ये मुसीबत है बहुत बड़ी। क्योंकि भिड़े जो पास वाली झिलमिल सोसाइटी में कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत परेशान है, स्ट्रिक्ट है, जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी नाक के नीचे ऐसी पिज्जा पार्टी की इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी जिसमें सोनू भी शामिल है, तो वो कैसा बर्ताव करेगा? अब टपू सेना जाएगी अटक, क्योंकि भिड़े को जाएगी ये बात खटक और पिज्जा पार्टी जाएगी लटक। अब क्या होता है आगे? क्या अब्दुल या ऊपर खड़ा टपू भिड़े को ये पिज्जा देखने से पकड़ने से रोक पाएगा? भाई ये तो कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा सोमवार को जब आप पिज्जा खाते हुए देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।